हेलो दोस्तों, मीर होम किचन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीठी सिवैयों की रेसिपी। मीठी सिवैयाँ तो आपने हज़ारों बार खाई होंगी, बहुत बार बनाई होगी, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मीठी सिवैयाँ। तो चलिए, अगर मीठी सिवैयाँ पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो देख लेते हैं हमें मीठी सिवैयाँ बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज की रेसिपी। तो यहाँ मैंने एक कटोरी सिवैयाँ ली हैं, तो इसी के साथ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट देख लेते हैं हम। मैंने यहाँ थोड़े से बादाम और पिस्ता और काजू लिए हैं, इन्हें मैंने कटिंग कर लिया है, और किशमिश ली है, और मैंने यहाँ नारियल लिया है, नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक पैन चढ़ा देते हैं गैस पर, जिस चीज़ में भी आप बनाना चाहें। और एक बड़े चम्मच हम यहाँ देसी घी डाल रहे हैं, आपके पास जो भी है आप वही डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ हम अपने ड्राई फ्रूट ऐड कर देते हैं। जो हमने नारियल लिया है उसे हम बचा लेंगे, उसे हम पहले नहीं ऐड करेंगे। पहले हम थोड़ा सा इन्हें रोस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम जो नारियल बचा के रखा है उसे भी ऐड कर देते हैं। अच्छे से इन सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसमें से हम फ्राई होने के बाद थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है उसे हम गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं, और जो बाकी का है उसको हम इसी में रहने देते हैं, और अपनी जो हमने सिवैयाँ ली थी उन्हें ऐड कर देते हैं। वैसे तो मेरी जो सिवैयाँ हैं वो पहले से ही रोस्ट हैं, लेकिन जो घी वाला फ्लेवर है वो हमारी सिवैयों में आ जाता है, इसलिए हम घी के साथ में सिवैयों को भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम 1 मिनट के लिए इन्हें भी फ्राई करेंगे। ज़्यादा देर तक हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही फ्राई है। तो हमें 1 मिनट इन्हें भूनते हुए हो चुका है। तो हमने यहाँ जो दूध लिया है वो मैंने फुल क्रीम लिया है, और मैंने 1 लीटर दूध लिया है, मैं उसे ऐड कर देती हूँ। तो अब हम इसे अच्छे से चलाएंगे, और पहले हम इसका जो गैस का फ्लेम है वो हमें हाई रखना है, जब तक हमारे जो दूध में उबाल ना आ जाए। तो दूध उबालने का वेट कर लेते हैं। सिवैयों को अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि दूध जो डालने के बाद जैसे ही दूध थोड़ा गर्म होता है तो हमारी जो सिवैयाँ हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो चलाने के बाद वो अच्छे से हमारी सिवैयाँ खुल जाती हैं। 10 से 12 मैं यहाँ केसर के धागे ले रही हूँ, एकदम ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आपको उसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैं यहाँ इलायची पाउडर ले रही हूँ। मैंने यहाँ 4-5 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। मिल्क पाउडर लेकर उसमें थोड़ा सा दूध डालने के बाद उसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। सिवैयों में मिल्क पाउडर का टेस्ट इतना ज़्यादा आता है, एक बार आप इसी तरीके से बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो हमने यहाँ 1 कटोरी सिवैयाँ ली थी, तो हम 1 ही कटोरी इसमें चीनी डाल देते हैं, और इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं, क्योंकि सिवैयों में जो जब तक हमारे दूध में उबाल नहीं आ जाता, जब तक हमें गैस का जो फ्लेम है वो हाई रखना होता है, और जब हमारी सिवैयों में 1 उबाल लग जाता है तो उसके बाद हमें लो गैस पर ही पकाना होता है, उससे सिवैयाँ बहुत अच्छे से पकती हैं। तो यहाँ मैं अपनी सिवैयों को एक बार चेक करके देख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है बनने में, हमारी सिवैयाँ बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। और आप देख भी रहे हैं कितनी गाढ़ा हो चुका है इसका जो दूध है। इस तरीके से थोड़ा सा आप ले लीजिए और चेक करके देखिए, हमें बिल्कुल एकदम गल जाए वो सिवैयाँ नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसमें हमें जैसे कि थोड़ा कच्ची सी रह जाती हैं, बस वही चाहिए, क्योंकि हमें इसे ढककर 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है। तो हम इसे रेस्ट पर रख देते हैं और इसे खोलकर बाद में चेक करते हैं। तो आप देखिए, आपकी जो सिवैयाँ हैं एकदम परफेक्ट मिलेंगे आपको। तो यहाँ मेरी सिवैयाँ बनकर एकदम तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। वो थोड़ा जो कच्चापन रह जाता है वो हमें सिवैयों को हमेशा ही दम पर ज़रूर लगाना चाहिए, उसी से सिवैयाँ हमारी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो बस हम अपनी सिवैयों को शर्व कर लेते हैं। तो ये सिवैयाँ एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको भी बहुत पसंद आएगी।
तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।